एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आपने देखा होगा कि स्वाति ने मेरे बालों के साथ क्या किया है। मतलब मैं ना बाहर खड़ी हुई थी तो एक आंटी हमारे सामने, वो मेरे बालों को देखे कहती है कि आपके बालों को क्या हो गया, इतने ऊपर नीचे अजीब से हो रहे। आप अभी भी देख सकते हैं कितने घटिया ये बाल लग रहे हैं मेरे। सो मेरे से तो बिल्कुल रुका नहीं गया। मैंने कहा स्वाति तू चल जल्दी से इन्हें सही करवाने, कहीं बाहर जाने लायक भी नहीं बची हूँ मैं एक चैलेंजेस कभी नहीं लूंगी यार। बहुत एक्सट्रीम चैलेंज हो गया था ये। तो मैं और स्वाति आप जा रहे हैं बाहर, हमारे यहीं सलून है जावेद हबीब वाला, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने सोचा हेयर वॉश लूँगी, हेयर कट भी लूँगी, और अगर सही पड़ा तो थोड़ा सा हेयर कलर भी करवाऊँगी। तो जल्दी से चलते हैं फिर। सो गाइज देखो ये आ चुकी है, जो भी इसने मेरे बालों के साथ किया। सो अब ये मैं इसी को लेके जा रही हूँ कि सही करवाने चल इसको। अब जा रहे हैं सही करवाने, ये जो करा अब एक बार मैं करूंगी। मैं इनको प्लीज एक बार माफी मतलब तुम खेल लो, तुमने मेरे बालों अच्छा में। किस आइडिया किसका था, मतलब आइडिया जो भी था, पर तू अच्छे से कर सकती थी। देखना गाइस यार क्या हो रखा है। तो अब हम जा रहे हैं। सो गाइज हम जा रहे हैं फाइनली ये डिजास्टर सही करवाने, जो भी हुआ है। मैंने तो इसका नाम डिजास्टर ही रख दिया और मैं डिजास्टर ही बोलूंगी इसको। सो बस अब हम निकल रहे हैं और स्वाति पीछे पीछे कुछ एक्शन कर रही है, मतलब समझ जाइए आप क्या करना चाह रही है वो। हाँ बोल कुछ, ये देखो देखो कैसे एक्टिंग कर रही है। खुद ने करवाया ना सारा मुश्किल, तो करा तो तूने था, कोशिश तो तू भी कर सकती थी कि तू अच्छे से करे। सारा नाम मुझ पे डाल दिया ये साथी ने, हेलमेट लगा लिया। अच्छा सा कट मैंने ले लिया, आप देखिए कितना शॉर्ट बाल करा लिया। और आपको पता है मैंने स्कूल के बाद शायद अब इतना शॉर्ट गए मेरे बाल, नहीं तो हमेशा लंबे ही रखे हैं मैंने स्कूल के बाद अपने बाल, मतलब कॉलेज में भी लंबे थे उसके बाद भी लंबे ही रखे। तो अब मैं इतना शॉर्ट गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा एकदम डिफरेंट लुक आ रहा है। तो मैं बच्ची सी लग रही हूँ फिर से, तो फिर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने हेयर कट के बाद। आप लोगों को कैसा लगा? हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वाति और मैं आज जा रहे हैं वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने, और मतलब हमारी डेट तो बहुत पहले आ गई थी और बीच में मैं गुड़गांव चली गई थी, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा गैप ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा पता चल जाए कि मैं ठीक ठाक हूँ, क्योंकि मैं घूमी थी, आप लोगों ने व्लॉग्स तो देखे ही होंगे। सो अब मैं और स्वाति जा रहे हैं लगवाने। एक तो इस बार तो बहुत मुश्किल से नंबर आ रहा है, आप ये मानो कि मतलब आ ही नहीं रहा नंबर ऑनलाइन, तो बुकिंग कुछ है ही नहीं इस तरीके का सिस्टम। आपको वहाँ पे जाना है और टोकन वगैरह कुछ लेना है, तो बहुत मुश्किल से हमने जुगाड़ वुगाड़ करके अपना कुछ एक जगह पे किया है। अब मैं और स्वाति वहाँ पे जा रहे हैं। गाइस ये फुल लाइन लगी हुई है, पर इतनी भी नहीं है जितनी और जगह पे थी। तो देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है। इधर क्या बोल रहे हैं, बता दो आप उम्र बताओ, चल आज तो बिल्कुल ही पता है।
गाइस हम लोग आ चुके हैं वैक्सीन लगवा के और अच्छी खासी लाइन थी, मतलब इतनी भी भीड़ नहीं थी, हम मतलब ज्यादा नहीं थी ना, कम ही थी। हाँ लाइन मतलब ठीक था, ठीक पर थी। जो वहाँ पे मतलब जो बैठा था रजिस्ट्रेशन करने का वो बीच में से ही चला गया, और उसे सोना था। हाँ, और फिर एक अंकल बुला के लाए कि आ जाओ भाई लगा दो, पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब वो बीच में उठ के चला गया रेस्ट करने, मतलब पीछे लाइन लगी पड़ी उसकी, उसे कोई परवाह नहीं थी, वो करने चला गया अपना, उसको रेस्ट की पड़ी थी और इतनी तो भीड़ भी नहीं थी जो उसको इतनी थकान, जैसे मोबाइल पे बैठ के काम कर रहा था। सो फाइनली हमारी सेकंड डोज लग चुकी है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। सो और क्या, और ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं, देख लो बिल्कुल मैनर्स नहीं है। इसको देखो ये क्या कर रहा है, अब इनके लगेगी वैक्सीन, अब तुम्हारे लगेगी, कब से जल्दी लगेगी, अच्छी बात, अब तुम घूमने जाओगे। हाँ तू काफी धीरे बोल रहा है, पर अब तुम घूमने जाओगे मतलब। और ये देखो एक ही है, इसकी कल पीटीएम है, इसको कोई होश नहीं है। मुन्नू क्या होगा कल इसके साथ, पता ही नहीं क्या होगा कल, सारी होमवर्क नोट चेक करा ली पढ़ाई वढ़ाई सब भूल चुका है गाइस। ये ABCD आती है, आती है, सुना बीच में कुछ खा गया, अभी कल भी गिरा था फिर गिराया, अब क्या करें इसका, क्या हो सकता है, अब हॉस्टल जाएगा ये, अब ये हॉस्टल जाएगा, स्वाति ने कह दी अभी हॉस्टल जाने वाला है, अब आएगा मजा, वहाँ पे से पता चलेगा कि क्या होता है, पता चल जाएगा। हाय गाइस, तो अभी शाम हो रही है और वैक्सीन लगवाने के बाद मस्त नींद आई है एकदम, कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थी और अभी दर्द वर्द सच कुछ है, जैसे फर्स्ट डोज में था थोड़ा हाथ वाथ में, वो भी नहीं हो रहा है, अब देखते हैं रात में और कल क्या होता है। अगर फिर भी आपको सुनना है तो बाय, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।